वैसे भाई साहब आपको ही पहनाना चाहिए तो कोई बुराई नहीं है। ये सब पुरानी बातें हो गई। एक मिनट भाई जी। हाँ चलिए चलिए अच्छा ये भी ठीक है। अरे यार एक मिनट निकालो सबको पहना दो एक साथ पहना दो। मिलन जी पहना लेंगे। नहीं है उसमें एक इंद्र जी आदमी तो है इस कविता के अंदर आपने उतार दिया है। पानी पिए हैं दादा घनेरे घाट घाट के बेशक है मिलन दादा 30+60 के। बहुत बहुत ही खूबसूरत कविता।
और मैं सोचती हूँ शायद हर एक को ये कविता जब ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छी, मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी ये लगी कविता। बाकी वैसे आपने प्रकृति, सामाजिक सरोकारों को और माँ के ऊपर, गुरु के ऊपर, सभी के ऊपर अपनी लेखनी को बहुत खूबी के साथ चलाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि साहित्य जगत में इंदल सिंह इंदु की ये पुस्तक भावों की मंदाकिनी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाएगा और बहुत ही पठनीय पुस्तक। लेकिन धीरे धीरे इंदु जी और काव्य साधना की ओर आगे बढ़े ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अभी बहुत आगे तक उनको जाना है इन रचनाओं के साथ ही। और धीरे धीरे वैसे भी कोई भी कार्य करते हैं तो धीरे धीरे उसमें निखार आता जाता है, तो इंदु जी की रचनाओं में भी और आगे निखार आता रहे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक कुछ चार पंक्तियां मैं आपकी पूरी पुस्तक को समर्पित करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक मैंने दिया है टूटे आईना, क्योंकि इसमें है हर भावों को दिखाने की कोशिश की है। तो टूटे आईना को लगाने का चलन अच्छा है, ये कहते हैं कि टूटा आईना लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इस पुस्तक के ऊपर ये मेरी पंक्तियां बिल्कुल सार्थक बैठती हैं। और मैं कहती हूँ टूटे आईने को लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? टूटे आईने को लगाने का चलन अच्छा है, एक चेहरे में कई चेहरे नजर आने लगे, एक चेहरे में कई चेहरे नजर आने लगे, अपनी कुछ खामियां वैसे नजर आती ना थी, अपनी कुछ खामियां वैसे नजर आती ना थी, ऐ भर टुकड़े में अब साफ नजर आने लगे, ऐ भर टुकड़े में अब साफ नजर आने लगे। तो इन्हीं भावों के साथ में मैं एक बार फिर से इंदर सिंह इंदु जी को, अपने छोटे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि साहित्य जगत में आपकी लेखनी निरंतर चलती रहे और बहुत अच्छे तरीके से चले और बहुत सुंदर भावों को आप साहित्य जगत के अंदर देते रहे अपनी लेखनी के माध्यम से। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। काव्य कृति मैंने भी पढ़ी और जिस तरह से हम हिंदी की बात कर रहे थे, हमारे मध्य डॉक्टर भुलेश्वर जी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हिंदी में MBBS किया और हिंदी भाषा को सम्मानित किया, तो हिंदी तो बिंदी है यारो, इंदर जी की रचना मुझे बहुत अच्छी लगी कि हिंदी तो बिंदी है यारो, हिंदी भारत माँ के भाल की, हिंदी तो शान है देखो अपने देश महान की, हिंद देश की शान है हिंदी, फूलों में गुलाब सी, रीति रिवाजों की शान है हिंदी, संस्कारों की खान सी, और भाषाओं की ये शान है हिंदी, जुबा पर रसाल सी, हिंदी तो बिंदी है यारो भारत माँ के भाल की, हिंदी तो शान है यारो अपने वतन महान की, हिंद की मिट्टी का कणकण हिंदी पहचान है स्वाभिमान की, हिंद देश की गरिमा गौरव हिंदू धर्म की मशाल सी, अन्य भाषाओं को अंक समेटे रहे निर्विकार सी, हिंदी तो बिंदी है यारो भारत माँ के भाल की, हिंदी तो बिंदी है यारो भारत माँ के भाल की। बहुत ही सुंदर रचना और हिंदी भाषा के उत्थान में इसी तरह से आप प्रयासरत रहें। इंदर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दो पंक्तियां कहूंगी आपके लिए कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है ये फूल किधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की काव्य गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। हमारे मध्य लोकस पत्रिका की संपादक रजनी जी यहाँ पर।